क्वांट के सभी फंड बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो, जो मैं चीज़ें आज बताने वाला हूँ ना कि हमें क्या करनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आज से एक साल पहले भी बोल रहा था, 1.5 साल पहले भी बोल रहा था, ठीक है। बट बात फ़र्क पता क्या है, आप सुनोगे आज कि जब नुकसान हो चुका है तो ठीक है, एटलीस्ट इतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ, तो आज ही सुन लो कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए कि क्वांट के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, कितना हमें लेना चाहिए और बेस्ट मल्टी कैप कौन सा साबित हो सकता है हमारे लिए। बिल्कुल एक्सेल शीट में जाके बहुत सारे हम म्यूचुअल फंड्स कंपेयर करेंगे मल्टी कैप कैटेगरी में और आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा वो देखते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं बिना किसी डिले। और आगे जाने से पहले, बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमने ये फंड लिया, इसने अंडर परफॉर्म कर दिया, इसने नेगेटिव, तो इन चीज़ों की या तो नॉलेज गेन कर लो या दूसरा एडवाइज़र हायर कर लो, ठीक है। वो कैसे होगा, स्क्रीन पे आपको नंबर है, आप मैसेज कीजिए, हम कॉल शेड्यूल करेंगे और उसके बाद आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा कि क्या कॉस्ट आती है, किस क्या प्रोसीजर रहता है और कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको खुद रिसर्च एंड एनालिसिस करने की टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जिन लोगों के पास बहुत सारा टाइम है और बहुत सारी नॉलेज गेन करने के लिए है, तो वो लोग अब समझ लो कि करना क्या है। यहाँ पे हमारे सामने 4 फंड हैं, ठीक है, क्वांट एक्टिव, निपोन इंडिया मल्टी कैप, महिंद्रा, ICICI प्रोडेंशियल मल्टी कैप। ICICI पे कोई ध्यान भी नहीं देता, ये तो सिर्फ बैंक वाले बेच रहे हैं तो जाके 14,000 करोड़ हो गया, नहीं तो ICICI पे कोई फोकस भी नहीं करता, ना कोई अलग से वीडियो बनाता। लेकिन मैंने बहुत बार इसको आपके सामने रखा है और अब लास्ट क्वार्टर के अंदर आप देखोगे ना, लास्ट क्वार्टर छोड़ो लास्ट साल के भी अंदर देखोगे तो इन सब में से सबसे बेटर रिटर्न ICICI का रहा है। लेकिन लोग फिर भी कंसिडर नहीं करते, क्यों? क्योंकि वीडियोज नहीं बन रही बार बार, सिर्फ वही चीज़ लेनी है, रिसर्च गई भाड़ में, ठीक है, नंबर्स गए भाड़ में, जिसकी वीडियो बन रही है वो ले लेंगे, ठीक है। तो इसको कंसीडर करा जा सकता है, ठीक है। मुझे पता है लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स थोड़े से उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं हैं, लेकिन इसने रिटर्न्स बार बार अच्छे निकाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद महिंद्रा की अगर हम बात करें तो महिंद्रा ने लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन निकाले हैं, क्वांट से ज़रूर पीछे है लेकिन बहुत बेहतरीन रिटर्न निकाले हैं निपोन ने भी, ठीक है। लास्ट 1 ईयर में सबके रिटर्न्स इक्वल रहे हैं। अब लास्ट क्वार्टर की बात कर लेते हैं, लगभग जो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है उसके आधे, लगभग आधे हैं, एग्जैक्ट आधे नहीं है, लेकिन उसके आधे रिटर्न दिए हैं क्वांट एक्टिव ने। तो पहली बात तो सिर्फ एक क्वार्टर को देख के चर्निंग कर दोगे तो बेवकूफ हो, ये चीज़ तो मैंने आज तक नहीं बोली। एक क्वार्टर हुआ है, दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, मैंने अभी तक अपने किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में क्वांट को नहीं छेड़ा और शायद मेरे पास 10% क्लाइंट ऐसे होंगे या 15% क्लाइंट ऐसे होंगे जिनके पोर्टफोलियो में क्वांट का एक्सपोजर 30% है। अब जो गलती आपने करी कि आपने तो भाई क्वांट के 2-2, 4-4, 6-6 फंड ले लिए, पूरा बना के रख दिया सब कुछ, ठीक है, तो उसमें नुकसान तो होना ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएं तो महिंद्रा ने, महिंद्रा की अलग से भी वीडियो बनाई है, मैंने बहुत बार बोला भी है, ठीक है, कि महिंद्रा जैसा मल्टी कैप जो अभी रिसेंट के ईयर्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। पहले क्या नाम था इसका, महिंद्रा मैन्यूलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना, ठीक है। तो ये बढ़त योजना में आपने देखा कि ये लास्ट जब खराब परफॉर्म कर रही थी मार्केट 1 मंथ में, तो इसने लगभग 0.28% का रिटर्न दिया है, ठीक है। निपोन ने नेगेटिव 0.5% के आसपास, क्वांट एक्टिव -1.78, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ICICI प्रोडेंशियल सबसे बढ़िया रहा है। ये होता है अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग AMC को बाय करने का फ़ायदा, लेकिन लिमिट में, ऐसा नहीं है कि 20 म्यूचुअल फंड रख लिए, अलग अलग AMC रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इसका रेशोज़ वगैरह, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रेशोज़ पे फोकस करें तो ये रेशोज़ तो हमेशा से ख़राब रही हैं, इस पर कभी किसी ने फोकस नहीं किया। हज़ार बार बोला है कि ये β1 से ऊपर जा रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहो, कंट्रोल में रहो, नहीं पूरा भरेंगे। और क्वांट का एक्सपोजर 30%, 40%, 50% तक ले लिया गया। और मैं बार बार जब ये चीज़ें बोलता हूँ ना, या इस तरीके से बोलता हूँ, तो लोगों को लगता है कि मेरा एरोगेंस है, ठीक है। कमेंट भी मैंने पढ़े थे पिछली वीडियो में कि बिल्कुल एरोगेंट होके वीडियो, देखो एरोगेंट होने की बात नहीं है, ठीक है। इस वीक एक ऐसी वीडियो भी आएगी जहाँ पर मैंने मतलब अगर हमने वो चीज़ करी होती तो शायद 20-30 हज़ार रुपये हमने एक्स्ट्रा जनरेट कर लिए होते, वो चीज़ हमने नहीं करी। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, चीज़ें समझो किसी भी तरीके से, गलती करके, बिना गलती करके, मेरी सुन के, किसी और की सुन के। गलतियाँ करना कम करोगे तभी कुछ
फ़ायदा होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो बीटा सबका एक से नीचे ही है, चलो ये अच्छी बात है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे बेटर है, और हमने ये देखा भी लास्ट वन मंथ में, ये दिखता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ऊपर मैंने तभी दिखाया था कि लास्ट वन मंथ में जब मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए तो इसने कहाँ रिटर्न दिए, ये भाई साहब 0.84, ये फ़र्क होता है स्टैंडर्ड डिविएशन हाई होने का, सॉरी लो होने का, ठीक है। और ये देखो ये गिर गया 1.78% तक। अब ये डिफरेंस मोस्टली लोगों को सिर्फ 1% का दिख रहा होगा, ये 1% का होता नहीं है एक्चुअल में, एक्चुअल कैलकुलेशन अलग ही बैठ जाती है। तो थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि महिंद्रा ने किस तरह के परफॉर्मेंस दिए हैं जब 2017 से लॉन्च हुआ था। 17 और 18 में खराब परफॉर्मेंस करने के बाद, ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, आज लगभग 6 साल हो गए हैं, ठीक है, इस फंड ने, और मुझे भी शायद लिए इसको 3-4 साल तो हो गए होंगे, ठीक है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। अब इसने पिछले 3-4 साल में कभी अंडर परफॉर्म किया ही नहीं है, बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए एक कोर फंड साबित हुआ है ये, तो बढ़िया है। तो इसको और नीचे अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर हमारा ICICI है, फिर महिंद्रा है, निपोन है, ठीक है, ये आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ICICI है, ये वाला महिंद्रा है, और ये वाला निपोन है, ठीक है। निपोन ने पिछले 4 साल से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, उससे पहले 2 साल नहीं दिया था, उससे पहले दिया था, उससे पहले नहीं दिया था, तो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, और ये ऑन एंड ऑफ बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि आपने जो यहाँ रिटर्न्स जनरेट करवाए वहाँ यहाँ अंडर परफॉर्म करके आप फिर बैठ गए, तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है। लेकिन हाँ, पिछले 4 साल से बहुत अच्छा दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शायद मुझे ये मानना पड़ेगा कि इसका जो बुल रन है, मतलब किसी भी फंड का 3-4 साल होता है, और 4 साल बाद किसी फंड को लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में भरो लो तो सैटेलाइट के तौर पे लो। और ये फंड, इसका ऑन और ऑफ ना एक तरह से ऐसा रहा है कि ऑफ पीरियड में ये कभी भी अंडर परफॉर्म नहीं किया, बेंचमार्क से ऊपर रहा है, कैटेगरी एवरेज के बिल्कुल बराबर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है शुरुआती अगर 2 साल इसके छोड़ दिए जाएँ तो। ICICI की बात करूं तो ICICI बीच में जो चला है वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए चला है, ऑन एंड ऑफ पीरियड इक्वल नहीं है जैसे निपोन के थे, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देते हैं। बाकी फिर भी जिन्होंने निपोन ले रखा है, जिन्होंने महिंद्रा ले रखा है, या जिन्होंने क्वांट भी ले रखा है, तो अभी फिलहाल चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, साफ सीधी बात है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे और यहाँ पे आखिरी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, और सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमने महिंद्रा बोला था कि महिंद्रा आप ले सकते हैं, ICICI ले सकते हैं, मुझे ये ठीक नहीं लगा, निपोन मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगा, तो कहने की बात ये है कि यहाँ पे टर्नओवर रेशो बहुत बढ़िया है, ICICI का भी अच्छा है, लेकिन ये एक रेड फ्लैग है, लेकिन इस रेड फ्लैग के बावजूद इसने रिटर्न्स अच्छे निकाल के दिए हैं, ठीक है। मैं शायद बायस्ड हो सकता हूँ महिंद्रा को लेकर, लेकिन स्टिल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तीनों फंड बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। स्टिल अगर आपके पास क्वांट भी है तो अभी चलने दो, देखते हैं नेक्स्ट ईयर 2025 से, तो इसको पहले छेड़ना भी मत। हाँ, लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में एक्सपोजर 25-30% से ज़्यादा है, उसको अभी 30% पे ले आओ, इनफ्लो अगर 30% से ज़्यादा है तो उसे नीचे ले आओ, ठीक है, 30 तक ले आओ, बाकी बाद में देख लेंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे, और जो लोग क्वांट का देखने आए थे कि क्वांट का क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, अभी एग्जिट नहीं करना है, नया इनफ्लो रोकना है, वो मर्जी है, SIP रोक के दूसरे में चला सकते हो, लेकिन वो भी तब जब आपके पास फ़ंड रखने की जगह हो, ऐसा ना हो कि आप ये 8वां 9वां फंड ले लो। अगर आपके पास 4-5 फंड हैं तो एक निपोन या महिंद्रा ऐड किया जा सकता है, क्वांट को रोक के, क्वांट को पड़ा रहने दो, अभी एग्जिट बिल्कुल मत करना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो SIP रोकने की भी ज़रूरत नहीं है अगले 6 महीने तक कम से कम, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगर नहीं ठीक होता तो फिर वीडियो सबसे पहले मैं ही बना दूंगा, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें, मिलते हैं अगले वीडियो।